विधानसभा चुनाव में बीजेपी की पहली सूची आने के बाद लगातार ये सवाल खड़े हो रहे हैं कि कांग्रेस अपनी पहली सूची कब जारी करेगी। हालांकि पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहले ही साफ कर चुके हैं कि कांग्रेस की पहली सूची 18 अक्टूबर को जारी हो सकती है, यानी कि दिल्ली में दो बड़ी महत्वपूर्ण बैठकों के बाद जो सूची है वह जारी की जा सकती है। हालांकि सूची का इंतजार न सिर्फ प्रदेश की जनता कर रही है, साथ ही हर वो प्रत्याशी भी कर रहा है जो इन विधानसभा चुनावों में अपना भाग्य आजमाना चाहता है। अगर कांग्रेस की पहली सूची की बात की जाए तो इस सूची में 40 से 45 ऐसे नाम हैं जो लगभग फाइनल हो चुके हैं, लेकिन 18 अक्टूबर की रात या 19 अक्टूबर की सुबह आने वाली सूची में करीब 60 से 70 नाम हो सकते हैं। इसके साथ ही यदि राजनीतिक पंडितों की बात की जाए तो बीजेपी ने जिन 41 सीटों पर अपने प्रत्याशियों की घोषणा की है, इन सभी सीटों पर कांग्रेस की ओर से पहली सूची में नाम तय किए जा सकते हैं। कांग्रेस की पहली सूची को आने में अब कुछ ही समय बचा है, तो वहीं कांग्रेस के सामने सबसे बड़ा संकट है कि किसे नाराज किया जाए और किसे खुश किया जाए, क्योंकि कांग्रेस के द्वारा जो राजनीतिक सर्वे कराया गया है, इस सर्वे के माने तो इस सर्वे में बड़ी संख्या में ऐसे मौजूदा विधायक हैं जिनका टिकट कट सकता है, यानी कि जनता है वह उनसे नाराज नहीं है। कांग्रेस ने जो भी विधायक की के पद के लिए दावेदारी कर रहे हैं उनके लिए आवेदन मांगे थे, और बताया ये जा रहा है कि 200 सीटों पर करीब 3000 से ज़्यादा आवेदन हैं वह कांग्रेस को मिले हैं। इनमें से जो मौजूदा विधायक हैं उनके साथ ही कई पूर्व विधायक और कई जो बागी हो चुके हैं उन्होंने भी विधायकी के लिए जो अपनी दावेदारी है वह कांग्रेस आलाकमान के सामने पेश की। दिल्ली से नामों की घोषणा है और इस समय दिल्ली में कांग्रेस आलाकमान यानी AICC के बाहर जो प्रत्याशी हैं उनका जमघट देखने को मिल रहा है, या फिर यूं कहें कि 24 घंटे टिकट की चाह में ये नेता AICC के बाहर डेरा डाले हुए हैं। अब कांग्रेस की पहली सूची आने में बहुत कम समय बचा है, ऐसे में हर जोड़ तोड़ की राजनीति इन जो उम्मीदवार हैं या प्रत्याशी हैं इनके द्वारा की जा रही है। अगर सूत्रों की माने तो सूत्रों के हिसाब से पहली सूची में सचिन पायलट के अपनों को जगह मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। जी हाँ, सचिन पायलट और अशोक गहलोत का जो झगड़ा है वह पिछले 3 साल से राजस्थान ही नहीं पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। हालांकि समय समय पर आलाकमान का ये कहना है कि दोनों के बीच की जो दूरियां हैं वह खत्म हो चुकी है, खाई है वह पट चुकी है, लेकिन खुले मंच पर उन दोनों की तलखी जनता ने भी देखी है और कांग्रेस ने भी देखी। इसी बीच अब कांग्रेस की पहली सूची का पूरा राजस्थान इंतजार कर रहा है। कांग्रेस के कई दिग्गज हैं वह दिल्ली में डेरा डाले बैठे हैं। कई ऐसे नेता भी हैं जिनको टिकट कटने का डर सता रहा है और वह इस समय आलाकमान को मनाने के लिए उनकी मनहुआर कर रहे हैं। ऐसे में अब देखना होगा कि कांग्रेस की पहली सूची किस तरीके से और कितनी बड़ी आती है, क्योंकि बीजेपी ने जब पहली सूची जारी की तो उसको भारी विरोध का सामना करना पड़ा और कांग्रेस इस विरोध से बचना चाहती है। इसके साथ ही बीजेपी की ओर से राजस्थान की 7 सीटों पर जहां अपने 7 विधायकों को उतारा गया है, तो संभावना ये जताई जा रही है कि कांग्रेस भी इन 7 सीटों पर बड़े चेहरों पर दाव खेल सकती है, यानी कि वहां पर जो मौजूदा विधायक हैं उनका टिकट कटता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में अब देखना होगा कि कांग्रेस की पहली सूची क्या राजस्थान में फिर से राजनीतिक बम फोड़ेगी, क्या उसे भी विरोध का सामना करना पड़ेगा, पहली सूची में क्या आलाकमान सचिन पायलट को संतुष्ट करने की कोशिश करेगा, या वो दिग्गज विधायक जिनको अपनी टिकट कटने का डर है उनको भी क्या अपने पाले में ला सकता है, ये आलाकमान के लिए एक सबसे बड़ी चुनौती। आप देख रहे हैं द नगरी न्यूज़, मैं हूं ललित वर्मा।